अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली सब खैरियत से मज़े में होंगे। जनाब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज का व्लॉग आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको क्या दिखाने लगी हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है, पूरा देखिएगा। आज मैं आपको शो कराने लगी हूँ कि हम लोगों ने घर में पेंट कराया है, तो किस तरह से कराया है, क्या कलर करवाया है, सारा कुछ आपको दिखाऊँगी। तो इसलिए व्लॉग बहुत ही मज़े का है। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें। अच्छा जनाब, ये ना हम लोगों ने पूरे घर में जो है ना वो ओवरऑल करवा लिया हुआ है पेंट, लेकिन जो है ना आज मैं आपको शो करा रही हूँ फर्स्ट फ्लोर का पेंट। तो इस तरह से कितना एरिया है रूम का ये सारा भी आपको दिखा दूंगी, क्योंकि सामान वगैरह जो है ना वो हम लोगों ने जो है वो यहाँ से निकाला हुआ है, क्योंकि पेंट होता है ना तो इसलिए फिर बहुत ही ज़्यादा जो है ना खलारा मचता है ना। अच्छा खलारा जो है ना वैसे ही आपको मैंने एज जोक जो है वो कहा है, ठीक है, तो हो जाता है। तो इस वजह से चीज़ें सारी बाहर निकाली हुई, तो मैं आज आपको सारा का सारा एरिया भी दिखा दूंगी और साथ ही साथ ये पीवीसी वॉल पैनल्स भी आप देख सकते हैं, आप लोग आइडिया ले सकते हैं। अच्छा आपको लग रहा होगा कि वॉल्स पे जो है ना वो कलर जो है ना ऑफ वाइट है या वाइट है, लेकिन इस तरह से नहीं है, ये बेबी पिंक कलर में जो है ना हम लोगों ने करवाया है। और इसी तरह वॉशरूम्स में भी कराया है, और वॉशरूम्स में भी जो कलर कराया है वो भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। बॉर्डर्स वगैरह पर किस तरह से हुआ है, ऊपर सीलिंग किस तरह से कराई है, सारा आपको मैं दिखाऊँगी। जिस तरह जब बरसात का मौसम होता है ना तो काफ़ी जो है ना वो पेंट वगैरह उतर जाता है, तो इस वजह से जो है हम लोगों ने दोबारा से ना इसे बिल्कुल रीन्यू करा लिया है, और इस तरह से ज़्यादा क्लीन भी हो जाता है मज़ीद। और वैसे तो ऑलरेडी ये रीन्यू था, बिल्कुल ही न्यू घर था, लेकिन हम लोगों ने इसे दोबारा से जो है ना वो खूबसूरत ज़्यादा बनाने के लिए, ताकि हर चीज़ मज़ीद क्लीन लगे, तो इसलिए हम लोगों ने पेंट कराया है। वैसे अभी अभी हमें ना इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने करवा लिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें जी, सीलिंग पे जो सीलिंग पे जो कलर था ना ऑलरेडी वही कलर है, और बाकी वॉल्स पे जो है ना वो चेंज करा लिया है, पहले ये वाइट कलर में था लेकिन अब जो है ना बेबी लाइट पिंक में है। और ये आप देख भी सकते हैं, मैं भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा हूँ कि ये ऑफ वाइट है या फिर वाइट है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को डिक्टेट करके ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, पहले ही बता दिया है। तो इस तरह से ये सीलिंग है, और लाइटिंग भी आप देख सकते हैं, और पहले मैंने जो है ना टूर करवाया हुआ है पूरे घर का, लेकिन इस तरह से जो है ना वो कुछ चीज़ें जो होती हैं आपको पता है कि रूम्स पे होती हैं, तो इस वजह से मैंने आपको अब दोबारा से करा रही हूँ। जो जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स नहीं देखे, जो न्यू है ना चैनल पर, तो वो इस तरह से देख सकते हैं। अच्छा जी, सेकेंड रूम में ऑलरेडी कोई भी सामान वगैरह नहीं था पहले से ही, तो ये मेरे भाई का रूम है, तो यहाँ पर इस तरह की ये वाली देख लें आप, सीलिंग हुई हुई है, और साथ से साथ में जो है ना वॉल पैनल्स जो है ना वो भी आप देख सकते हैं, पीवीसी वॉल पैनल्स, और इस तरह से बेडशीट है, साथ में ये बेड है, कर्टन्स हैं, फिर एसी है, ठीक है। तो ये इस तरह से रूम को हम लोगों ने जो है वो डेकोरेट किया हुआ है, रूम को मैनेज किया हुआ है। साथ में ये डोर्स हैं, जहाँ पर जो है ना डोर्स का जो कलर है ना वो एज इट इज़ है, जो कि पहले करवाया हुआ था, पहले ही था। और इस तरह से ना अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किचन में किस तरह से हुआ है। अच्छा जी, जो किचन का थीम है ना वो है जी वाइट और रेड कलर में, ठीक है। तो बिल्कुल ये जो है ना ये ब्रांडेड जो है ना वो किचन बनाए गए हैं बिल्कुल अमेरिकन स्टाइल में, ठीक है। तो जैसे ओपन है, ठीक है बिल्कुल, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इस तरह के आप कैबिन्स बनवा सकते हैं। इसके ऊपर जो शीट्स लगी हुई है ना वो बिल्कुल जो है ना वाटरप्रूफ है, कि वाटरप्रूफ मींस के अगर पानी वगैरह फॉर एग्जांपल गिर भी जाता है ना तो वो ख़राब नहीं होंगी शीट्स। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने डेकोरेट किया हुआ है, रेनोवेट किया हुआ है, ठीक है। और जो है ना ऑलरेडी जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो ये सारी चीज़ें थी ऑलरेडी, ये बिल्कुल ब्रांडेड था, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको जब आप लोग रहते हैं तो फिर आपको न्यू जो है ना काम करवाना पड़ता है, कुछ ना कुछ ज़रूर होना पड़ता है, करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है ना व्यू है, और आपको मैंने सारा पेंट भी दिखा दिया है, ठीक है। आपने अब देख के बताना कि कैसा लगा आपको। फिर मैं आ गई जी किचन में, और यहाँ पर नान पड़े हुए थे, और इनको मैं कैसे यूज़ करूँगी। अच्छा कि बिल्कुल ठंडे हो गए हैं और थोड़े से अकड़ गए हैं, अब मैं आपको बताऊँगी कि इनको मैं कैसे यूटिलाइज़ करती हूँ। तो इस तरह से मैंने एक मग में पानी ले लिया है, और साथ में जी जनाब प्लेट ले लिया है, उसमें पानी ऐड किया है। अच्छा बहुत ज़्यादा मैंने इसको जो है ना वो गीला नहीं किया था, इस तरह से आपने गीला कर लेना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ।
तो बहुत ज़्यादा आपने गीला नहीं करना है। तो इस तरह से आपके पास अगर नान वगैरह पड़े हों, कुछ लोगों की आदत होती है कि अगर उनके ठंडे हो जाएंगे, अकड़ जाए ना, तो वो फेंक देते हैं। तो फेंक के कभी भी रिस्क को फेंकना नहीं चाहिए। और वैसे भी इतना दिल को जो है ना वो होता है कि हम क्यों ये चीज़ ज़ाया कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको यूटिलाइज़ कर लेनी चाहिए। और इस मैं आपको बताऊँ कि इस तरह से आप फ्राई करके खाएंगे ना नान वगैरह, तो इतने मज़े के बनते हैं ना कि आप लोग बार बार खाएंगे। आप इस तरह से चाय के साथ खा सकते हैं, आप कोई सालन वगैरह आपने बनाया हो आप तब भी खा सकते हैं। अच्छा, फिर आपने ना तवे को अच्छे से गर्म कर लेना है, उस पर आपने ऑयल ऐड करना है, और गीला जो आपने नान किया होगा ना उसको इस तरह से आपने उस पर ऐड करके तवे पे तो डाल के तो फिर आपने फ्राई कर लेना है। तो इतनी प्यारी इसकी लुक आ जाती है ना। इस टाइम जो है ना वो गैस भी अच्छी थी तो जल्दी जल्दी से फ्राई हो गए थे। और जैसे आपको पता है कि अगर आप चाहें कि आप ऑयल कम है तो आप नीचे बैक साइड पर भी और फ्रंट साइड पर दोबारा से लगा लीजिएगा, और इस तरह से आप इनको अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। तो जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ सेम यही प्रोसीजर कीजिएगा, तो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी क्रिस्पी आपके जो नान है ना वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो फिर आप इंजॉय कीजिएगा। और आपको पेंट कैसा लगा है, सीलिंग का कलर कैसा लगा है, सारा आपने मुझे बताना है। आपको फर्स्ट फ्लोर का जो व्यू मैंने आपको सारा दिखाया है तो आपने ज़रूर मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा है। अच्छा जी, आजकल जो है ना मुझे जुकाम काफ़ी हुआ हुआ है, तो इसलिए अगर मेरी आवाज़ थोड़ी मोटी मोटी लग रही हो या थोड़ी ख़राब लग रही हो तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैंने डेली व्लॉग बनाना होता है, कल परसों मैं नहीं बना सकी हूँ, तो काफ़ी लोगों ने पूछा, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग इतना प्यार देते हो ना कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे, आपकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। जिस तरह से अमीमा लाइफस्टाइल है, आर्ट जुलंस है, और शाहिन रजाक है, ठीक है, अमारा मुबशिर है, बहुत ही अच्छे कॉमेंट्स करती हैं तो बहुत मुझे अच्छा लगता है। करिश्मा है, ठीक है, तो वो डेली पूछती हैं कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आया, कभी मिस हो जाए तो वो ज़रूर पूछती हैं, उनका डेली मैसेज जो है ना ज़रूर आता है मुझे। यही मोटिवेशन होती है कि आप लोग इतना कुछ पूछते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा जी, रात के जो खाने हैं ना वो मैं ये देखें फ्रूट्स का इंटेक मैं बहुत लाजमी जो है ना रोटीन के साथ करती हूँ, और यहाँ पर दूध है, रोटी है, साथ में सालन है, और साथ में अनार और केले हैं। जो है ना वो खाना एंजॉय करेंगे, आप लोग भी ज़रूर फ्रूट्स का इंटेक किया करें। व्लॉग अगर आपको आज का अच्छा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।